हम लोगों के पास में कुछ सूचनाएं हैं जो समय आने पर हम लोग सार्वजनिक करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और चुनाव प्रबंधक लोग दुबई के अल बुर्ज खलीफा होटल में रहे थे। उस वक्त भी इजराइल की एक कंपनी इसी तरह की उनके साथ उनका सौदा हुआ था और ईवीएम को हैक करने का सौदा हुआ था। आपको याद होगा कि वीवीपैट मशीन पर जब अशोक वालसा ने सवाल उठाया था तो उनकी जासूसी की गई, उनके बेटे पर ईडी का नोटिस हुआ, आईटी का उनकी पत्नी पर नोटिस हुआ, उनकी बहन के संपत्ति पर ईडी का नोटिस हुआ, आईटी का नोटिस हुआ, उनको प्रताड़ित किया गया और चुनाव आयोग से जबरन इस्तीफा देने को मजबूर किया गया। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।